तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम कोर कॉइन को वॉलेट में लेके जाएंगे, वो क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एक मिस्टेक से आपके कोर कॉइन को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कोर कॉइन वॉलेट में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज लेने से कहते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पूरी नॉलेज लीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो आइए हम प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे आप सतोशी ऐप को ओपन करोगे और मी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो ऊपर देखिए मेरे जो कोर कॉइन है, मैं उन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर भी कोर लिख रहा है, उस पर भी क्लिक करूंगा। इसके बाद देखिए लिंक विद्रॉल एड्रेस आ चुका है लिखा हूं मैं, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने इस तरह का पैसा आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं ये, पहले हम वो देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट नोटिस में लिख रखा है, यू कैन लिंक एंड चेंज द वॉलेट एड्रेस 3 times एट मोस्ट बिफोर यू लॉक योर रजिस्ट्रेशन। प्लीज मेक श्योर टू टेक गुड केयर ऑफ योर प्राइवेट की एंड मैनेमरेस टू अवॉइड लॉस ऑफ फंड। तो ये कह रहे हैं कि आपने जो वॉलेट बनाया है कोर का रियल वाला, तो जो उसकी पब्लिक की है तो आपको वो यहाँ पर डालनी है, और वो आप 3 बार ही चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपने एक बार डाल दी तो उसके बाद आप चेंज करना चाहते हो तो दूसरी बार डाल लोगे, फिर तो उसके बाद तीसरी बार डाल सकते हो। इससे ज़्यादा आपको चांस नहीं मिलेंगे एड्रेस चेंज करने का। तो आप सोच समझ कर अपना रियल वॉलेट का पब्लिक की डालना। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप एक्सचेंज का पब्लिक की मत डालना, क्योंकि अगर आप एक्सचेंज का पब्लिक की डालोगे तो आपको कोर फंड नहीं मिलेंगे वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको एक्सचेंज का किसी भी तरह का एड्रेस का यहाँ यूज नहीं करना है। आपको एक्सचेंज पर किस तरीके से कॉइन को लेके जाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि अभी उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कोर टीम्स की तरफ से। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने वो ये है, वार्निंग सिस्टम विल ओनली सेंड डाटा टू कोर डाओ ट्विज, यानी कि जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो ये जो सिस्टम हमारा डाटा ले रहा है वो कोर डाओ को 2 बार भेजेगा, एक तो वो 6 फरवरी को भेजेगा और एक 15 मई को भेजेगा। तो कोर डाओ टीम ने ये कहा है कि आप 6 फरवरी तक इन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट राउंड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे कोर फंड को ट्रांसफर करने के लिए। अगर आप इसके बाद करते हो तो आपका कोर फंड वॉलेट में नहीं जाएगा। तो आप सभी 6 फरवरी के पहले पहले अपना पहला स्लॉट को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपके जितने 25% कॉइन हैं वो आपके वॉलेट में जा सके। 25% से कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास 10 कोर कॉइन है तो आपको उसका 25% कोर कॉइन 6 फरवरी के पहले मिल जाएगा, जैसा कि आपका बनता है 2.5 कोर, तो आपको 2.5 कोर आपके वॉलेट में चला जाएगा। बाकी का जो 7.5 कोर बचा है वो आपको 2 साल के अंतराल में मिलता जाएगा पर मंथ। जैसे कि 24 मंथ होते हैं 2 साल में, तो आप जब 7.5 में 24 का भाग दोगे तो आपके आएंगे 0.31 के समथिंग कॉइन। तो आपको एवरी मंथ 0.31 के समथिंग कॉइन मिलते जाएंगे 24 मंथ तक। तो मैंने ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि आपके पास 10 कोर कॉइन होंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो आपके पास जितने भी कॉइन होंगे उनमें से 25% आपको 6 फरवरी के पहले मिल जाएंगे, बाकी के आपको 24 मंथ के अंतराल में मिलेंगे। तो आइए अब हम कोर कॉइन को वॉलेट में लेके चलते हैं। तो आपको विड्रॉल एड्रेस में आपको आपके रियल कोर वॉलेट के पब्लिक की डालेंगे, तो आप मेटा मार्क्स पर आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने मेटा मार्क्स में पिछली वीडियो में रियल वॉलेट ऐड करवाया था, तो अगर आपने अभी तक रियल वॉलेट ऐड नहीं करा है कोर का तो आप उसे ऐड कर लीजिएगा। वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा रियल वॉलेट ऐड करने की, तो आप उसे देखकर रियल वॉलेट ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए ऊपर वॉलेट के नीचे कोर लिखा हुआ में आ रहा है, तो आपका ये रियल वॉलेट है, कोर चेन टेस्ट नेट वाला वॉलेट नहीं है। तो आप अच्छे से चेक कर ले आपका कोर टेस्ट नेट तो नहीं खुला है। अगर खुला है तो पहले आप वॉलेट के नीचे कोर वाला सेक्शन ऐड कर ले, जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है जिसमें मैंने आपको रियल वॉलेट ऐड करवाया था। तो अब हमें रियल वॉलेट की पब्लिक की कॉपी करनी है, तो आप देखिए रिसीव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे तो आपका ये रियल वॉलेट का विड्रॉल एड्रेस या पब्लिक की कॉपी हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक करके सतोशी ऐप में जाएंगे और विड्रॉल एड्रेस पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि मैंने ये पेस्ट कर दिया है, उसके बाद देखिए नीचे एसेट पासवर्ड है, तो आपको यहाँ पर आपका एसेट पासवर्ड लिखना है, इसे हम फंड पासवर्ड भी कहते हैं। तो आप अपना फंड पासवर्ड या एसेट पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा जो आपने पहले सेट करा होगा। अगर आपने अभी तक फंड पासवर्ड या एसेट पासवर्ड सेट नहीं करा है तो इस अगर कर लिया है तो अगर आप भूल चुके हो तो उसे रिसेट कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है, तो आप उसे देख लीजिएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि किस तरीके से आपको रिसेट करने हैं एसेट पासवर्ड या बनाने हैं, या फिर आप मेरे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। देखिए जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर देखिए नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो कोर माइनिंग फ्री क्रिप्टो वाला प्लेलिस्ट मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, तो देखिए नीचे नीचे 7 नंबर की वीडियो एसेट पासवर्ड रिसेट करने की और सेट करने की है। इसके अलावा 9th वीडियो मेरी को एड रियल वॉलेट की है,
तो आप इन वीडियोस को देखकर आप सारी प्रोसेस कर लीजिएगा अगर आपकी कोई प्रोसेस बाकी ले रही है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक कंट्री सिलेक्ट नहीं करी है, इंडिया कंट्री सिलेक्ट नहीं करी है, तो आप मेरी 8 वीडियो को देखकर इंडिया कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आपके कोर कॉइन वॉलेट में नहीं जा पाएंगे। तो मैंने मान लिया कि आपने एसिड पासवर्ड बना लिए होंगे और आपने यहाँ पर डाल दिए होंगे। इसके बाद मैं कोर लिंक विड्रॉल एड्रेस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का पैसा आएगा, तो मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने OTP आएगी ईमेल एड्रेस पर, जो आपने जिस ईमेल एड्रेस से अकाउंट बनाया था सतोशी का। तो आप जीमेल पर जाएंगे, तो जैसे मैं जीमेल पर जाता हूँ तो देखिए मेरे सामने यहाँ पर सतोशी की तरफ से मेल आ चुका है। तो मैं यहाँ पर जो OTP आई है उसे मैं यहाँ पर डाल दूँगा। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ उसके बाद मैं कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन का आएगा सिस्टम, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो सिस्टम आपसे जो भी कहता जाता है वो आप करते जाइएगा। जैसे आपसे विंक करने के लिए कहे तो आंखें झपका दीजिएगा। इसके अलावा अगर लेफ्ट टू राइट करने के लिए कहे सिर को तो वो कर दीजिएगा, मुँह खोलने के लिए कहे तो वो कर दीजिएगा। तो आपकी जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपका ये सक्सेसफुली लिखाओ में आ जाएगा। जब आप वापस कॉल लिंक विड्रॉल एड्रेस पर क्लिक करके देखोगे तभी ये दिखाएगा इसे सक्सेसफुली लिखाओ में आना। इसके अलावा जब आप फेस वेरिफिकेशन कर लोगे तो एकदम से आप बाहर हो जाओगे सिस्टम से, तो आपको सक्सेसफुली नहीं दिखाएगा, आपको वापस क्लिक करके देखना पड़ेगा, तब ये बता देगा कि आपने सक्सेसफुली कर लिया है रजिस्ट्रेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 फरवरी तक आपको वेट करना है, उसके पहले आपके रियल कोर वॉलेट में आ जाएंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है जिससे आप कन्फ्यूज हो सकते हो, जैसे आप मेटामास्क पर जाओगे आपका रियल कोर वॉलेट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़े से कॉइन दिखाई में देंगे थोड़े दिनों बाद। जब आप ये प्रोसेस कर लोगे तो कुछ दिन बाद आपको यहाँ पर 0 पॉइंट में कुछ कोर कॉइन दिखाई में देंगे, उन्हें हम गैस फीस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो 25% कॉइन्स बनते हैं वो आपके 6 फरवरी के पहले पहले वॉलेट में आ जाएंगे, बाकी गैस फीस आपको अलग से एक्स्ट्रा में मिलेगी। गैस फीस क्या होती है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ट्रू इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा मिलती रहे। इसके अलावा हमारे चैनल पर नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोंडेक्स ऐप के बारे में बताया था। तो अगर आपने अभी तक बोंडेक्स ऐप की प्रोसेस नहीं करी है तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छा खासा अर्निंग मिले, क्योंकि उसकी एक कॉइन की वैल्यू $10 के समथिंग आएगी लिस्टिंग के टाइम पर, ऐसा प्रेडिक्शन करा जा रहा है। तो अगर आप कोर में अभी तक लेट हो चुके हो तो आपको अच्छी अर्निंग खासी हो जाएगी बोंडेक्स के थ्रू, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।